नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा और मिश्री के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अश्वगंधा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं, वहीं मिश्री का सेवन भी हमें कई तरह की बीमारियों से बचाव कर सकता है। ऐसे में अश्वगंधा और मिश्री का एक साथ सेवन करने से कई तरह की बीमारियों और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दोस्तों अश्वगंधा और मिश्री का एक साथ सेवन करने से पेट की परेशानियों से लेकर स्पर्म काउंट को बढ़ाने में अश्वगंधा और मिश्री का मिश्रण लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इससे कई अन्य परेशानी भी दूर हो सकती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं अश्वगंधा और मिश्री का सेवन करने के फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं अश्वगंधा और मिश्री को एक साथ खाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, खांसी की परेशानी से दिलाए राहत। दोस्तों अश्वगंधा और मिश्री का सेवन खांसी जुखाम की परेशानी से राहत दिला सकता है। इसका सेवन करने के लिए 10 ग्राम अश्वगंधा की जड़ लें। अब इसे अच्छे से कूट लें। इसके बाद इसमें 10 ग्राम मिश्री मिक्स कर लें। इसके बाद इसे 400 मिलीग्राम पानी में अच्छे से उबाल लें। पानी को तब तक उबाल लें जब तक पानी 50 मिलीग्राम न रह जाए। दिन में थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण को पीने से खांसी और जुखाम की परेशानी दूर होगी, साथ ही कुकुर खांसी या वात से भी राहत दिला सकता है। नंबर दो, प्रजनन क्षमता बढ़ाए। दोस्तों गर्भधारण के लिए भी अश्वगंधा और मिश्री का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। इसका सेवन करने के लिए 20 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण लें। अब इसमें 1 लीटर पानी और गाय का दूध 250 मिलीग्राम मिक्स कर दें। दोस्तों इसके बाद इसे कम आंच पर पकाएं। जब दूध आधा रह जाए तो इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिक्स कर दें। पीरियड्स के बाद इस मिश्रण को सेवन करने से प्रजनन क्षमता बेहतर हो सकता है। नंबर तीन, ल्यूकोरिया का करें इलाज। दोस्तों अश्वगंधा और मिश्री का मिश्रण ल्यूकोरिया से पीड़ित महिलाओं के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण लें। इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिश्री मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम पिएं। इससे ल्यूकोरिया में काफ़ी लाभ मिल सकता है। नंबर चार, शारीरिक कमजोरी करें दूर। दोस्तों शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मिश्री और अश्वगंधा का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसके लिए 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लें। इसमें समान मात्रा में शहद और मिश्री को मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें 10 ग्राम गाय का घी मिक्स करके सुबह शाम 2 से 4 ग्राम लें। इससे आपके शरीर की कमजोरी दूर हो सकती है। इसके अलावा अश्वगंधा और मिश्री के मिश्रण को गाय के दूध के साथ पीने से काफ़ी लाभ मिलेगा। नंबर पाँच, वीर्य की अनियमितता करें खत्म। दोस्तों अश्वगंधा और मिश्री का सेवन पुरुषों के लिए लाभकारी हो सकता है। इससे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में लाभकारी हो सकता है। लो स्पर्म काउंट की परेशानी को दूर करने के लिए यह मिश्रण प्रभावी है। नंबर छः, ब्लड शुगर करें कंट्रोल। दोस्तों ब्लड शुगर में किसी तरह की परेशानी होने पर मिश्री और अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। ब्लड में शुगर बढ़ने पर डॉक्टर चीनी का सेवन करने के लिए मना करते हैं। इस स्थिति में अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो अश्वगंधा और मिश्री का सेवन करें। इससे ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अश्वगंधा और मिश्री का सेवन करने से शरीर को कई लाभ हो सकते हैं। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होने के साथ साथ कई अन्य परेशानी जैसे ल्यूकोरिया, वीर्य एनीमियता, ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।